और यहाँ पे ग्लैमर का लोगो जो है वो 3D में है। टैंक में काफी ज्यादा ग्राफिक्स वर्क आपको देखने को मिलेगा इस मॉडल में, और यहाँ पे भी काफी अच्छा ग्राफिक्स वर्क किया गया है। रिम टेप्स आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, येलो कलर में मिल रहा है, और ये भी MRF की ही कंपनी टायर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। मतलब इतने कम प्राइस में कंपनी आपको DRLs के साथ साथ LED लाइट्स भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि देखने में काफी यहाँ पे अच्छा लगता है। आपको हम दिखा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं हमारे सामने यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो ग्लैमर का 2022 मॉडल, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे कैनवस एडिशन में आया हुआ है। बाइक देखने में काफी अच्छी लग रही है, और स्पेशली ये जो है ये येलो कलर वेरियंट है इसका, जिसमें कि काफी अच्छे ग्राफिक्स का कंपनी ने यूज किया है। आप अभी राइट हैंड साइड से बाइक को देख रहे हैं, बाइक देखने में काफ़ी स्पोर्टी लग रही है, और फ्रेंड्स ये काफ़ी मतलब आपको बजट ऑफरिंग है यहाँ पे हीरो के तरफ से। अगर बात करते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में, तो 78,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में जो है इसका एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड यहाँ पे आपको लगभग में 92,000 रुपीज़ के अप्रॉक्स में देखने को मिलता है। तो अगर 90,000 रुपीज़ के आसपास का आपका बजट है, तो आप इस बाइक को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स वर्क के साथ ये बाइक मिल रही है। थोड़ा सा हनीकॉम पैटर्न टाइप का यूज़ किया गया है, येलो कलर में ग्राफिक्स है, रिम टेप्स वगैरह आपको सब येलो कलर में मिलता है, और यहाँ पे MRF कंपनी के टायर्स आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है रियर में 100x80 का 18 इंच का, जो कि काफ़ी अच्छा ग्रिप भी प्रोवाइड करता है 125cc सेगमेंट के हिसाब से। रेड कलर में कंपनी सॉकर्स प्रोवाइड कर रही है। बाकी एग्जॉस्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, आपको मैट में जो है वो ऊपर में कवर मिल जाता है ब्लैक से, और यहाँ पे ग्लैमर का लोगो जो है वो 3D में है। टैंक में काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स वर्क आपको देखने को मिलेगा इस मॉडल में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो फ्रंट से भी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्राफिक्स वर्क जो है वो किया गया है। बाकी यहाँ पे जो लाइट्स है वो आपको DRLs के साथ मिलता है, जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट है इस मॉडल का। मतलब इतने कम प्राइस में कंपनी आपको DRLs के साथ साथ LED लाइट्स भी प्रोवाइड कर रही है, जो कि देखने में काफ़ी यहाँ पे अच्छा लगता है। आपको हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आपको LED लाइट्स के साथ साथ DRLs कंपनी प्रोवाइड कर देती है, हीरो का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है, इंडिकेटर्स जो है आपको बल्ब में ही कंपनी ऑफर करती है, आप यहाँ देख लीजिए फ्रंट से। तो फ्रंट से लुक कुछ ऐसा आता है, जो कि काफ़ी यहाँ पे मतलब देखा जाए तो मुझे पसंद आता है इसका, क्योंकि DRLs का इसका जो डिज़ाइन है वो कंपनी ने काफ़ी फ्यूचरिस्टिक दिया है। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड्स फ्रंट में आपको 80x100 का 18 इंच का टायर मिलता है, रिफ्लेक्टर्स के साथ आता है, और यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा ग्राफिक्स वर्क किया गया है। रिम टेप्स आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, येलो कलर में मिल रहा है, और ये भी MRF की ही कंपनी टायर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। बाकी i3S का आपको यहाँ पे जो है वो मिल जाता है स्विच, जो कि आप ऑन ऑफ यहां से कर सकते हैं, और इस साइड में यहां पे किक वगैरह आपको मिलता है। इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, सेम इंजन है। सॉकर्स जो है वो रेड कलर में मिलता है, और टेल लाइट जो है वो यहां पे आपको बल्ब में मिलता है, बट एच शेप में है, जिससे कि इसका डिज़ाइन काफ़ी यहां पे अच्छा लगता है देखने में, और बैक लुक भी बाइक का काफ़ी अच्छा आता है। सीट की जो कुशनिंग है वो काफ़ी अच्छी है, और लेंथ भी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, जिससे कि ईजिली यहाँ पर आप बैठ सकते हैं, कम्फर्ट को कोई भी इशू नहीं मिलेगा आपको। बाकी मीटर यहाँ पर मिलता है आपको सेमी डिजिटल, मतलब डिजिटल प्लस एनालॉग। ये देखते हैं, पूरा स्वाइप मार के स्टार्ट होता है, साइड स्टैंड इंडिकेटर है यहाँ पे, और ये जो है ये फ्रेंड्स ब्लैक मतलब ब्लू कलर के बैकलीट, यहाँ पे आपको जो है वो डिजिटल ओडोमीटर मिल जाता है, स्मार्टोमीटर एवरेज वगैरह आपको शो करता है। बाकी यहाँ पे आपको न्यूट्रल का लाइट, i3S का स्विच, इंजन माल फंक्शन लाइट, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ आपको डिनोट कर देता है। तो मीटर जो है वो देखा जाए तो ठीक है, मतलब कम्यूटर टाइप की बाइक है, तो ज़्यादा इसमें नेविगेशन फीचर्स वगैरह का उतना ज़रूरत मुझे नहीं लगता कि आपको पड़ेगा। मतलब सिटी कम्यूटिंग में क्या ही लोग नेविगेशन करते हैं, तो मतलब उस हिसाब से यहाँ पे कंपनी ने अच्छा डिसीजन लिया है कि नेविगेशन वगैरह फीचर यहाँ ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो सब ऐड करने से फिर ये जो है मतलब 1,00,000 रुपये के ऊपर, मतलब 1,00,000 रुपीज़ के अबव में ये ऑन रोड चला जाता, तो उसे यहाँ पे कंपनी ने रिमूव करके जो है वो प्राइसिंग को यहाँ पे कम रखते हुए कंपनी ने इस मीटर को ऑफर किया है। बाकी यहाँ पास लाइट का स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम हॉर्न आपको हम सुना देते हैं, तो सेम हॉर्न यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी टैंक काफ़ी मस्कुलर लगता है ऊपर से देखने में, आप देख पा रहे होंगे, और ग्रैब हैंडल्स जो है वो ब्लैक कलर में कंपनी प्रोवाइड करती है। इस साइड से यहाँ पे फ्रेंड्स कवर्ड चेन आपको मिलता है, और सॉकर्स आप देख पा रहे होंगे, 5-स्पीड गियरबॉक्स का सेटअप मिल जाता है, और बाइक ओवरऑल में देखने में यहाँ पे कुछ ऐसी लग रही है। तो आप ज़रूर से बताएं कि आपको बाइक जो है वो कैसा लगा है, और ये जो ग्राफिक्स है ये आपको कैसा लगा। बाकी वो दोनों का ग्राफिक्स आपको वहाँ पे खड़ा है, दोनों का ही आपको वीडियोस हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप अभी लेना चाह रहे हैं तो ये ग्राफिक्स को आप मतलब देख सकते हैं आके, क्योंकि इसमें बेनिफिट क्या है कि ये एक फ्रेश लुक यहाँ मिलेगा। मतलब मार्केट में भी ये बाइक्स आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल ही न्यू लॉन्च हुआ है, 2022 मॉडल है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के वीडियो में बस यही था। तब तक के लिए मैं सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ, थैंक यू फ्रेंड्स। और ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं तुलिका हीरो पचम्बा ग्रिडी में, तो ग्रिडी एरिया से बिलोंग करते हैं, तो शोरूम में आ सकते हैं आप, सभी यहाँ पे स्टॉक जो है वो अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स।